जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आप सभी ऋतु राज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी को अच्छे खिलाड़ी अच्छे कैप्टन मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सीएसके और आरसीबी के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला खेला गया जिसमें आरसीबी इस मुकाबले को हार चुका है और सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग इस मुकाबले को जीत चुका है। जीतने का एक ही रीजन है, वो एक ही कारण है क्योंकि इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी भी किए थे, शानदार बल्लेबाजी भी किए। भले ही कप्तान चेंज थे लेकिन वो शो के कप्तान चेंज थे, पूरा तरीके से किसमें बना हुआ था। तो ये ऋतुराज गायकवाड़ का नहीं था, ये महेंद्र सिंह धोनी का था। वो धोनी जानते हैं जो कि इस मुकाबले में हम कप्तानी नहीं करेंगे लेकिन कप्तानी हम करेंगे क्योंकि हम कप्तानी छोड़ चुके हैं, कप्तानी सो के वो रहेंगे लेकिन हम करेंगे कप्तानी। और ऐसा ही हुआ, इस मुकाबले में शानदार और लाजवाब सीएसके की तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें इस मुकाबले में कम बल्लेबाजी न करके दिए हमारे ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज जिसका नाम आपको बता दें रविंद्र जडेजा नहीं दोस्तों अनुज रावत। और अनुज रावत के साथ कौन थे आपको भली बात याद होगा, अनुज रावत के साथ कौन खिलाड़ी थे, दिनेश कार्तिक। ये दोनों ने कमाल की लाजवाब पारी खेली है और टीमों को अंत तक ला करके जिताया, ये शानदार लगना देखे में क्योंकि अपने टीमों को जिताने के लिए बहुत कुछ जाने जाते थे और इस मुकाबले में ऐसा ही कुछ किए। लेकिन इस मुकाबले में जिस प्रकार से सीएसके ने जीता है वो आरसीबी को बहुत ज्यादा बुरी मौत मारा है। आरसीबी ने पहला मुकाबला जीता हुआ हारा है क्योंकि 173 पर चेसिंग करने के लिए आया था और उस समय इस मुकाबले में हार गया। ये मुकाबला उनको जीतना चाहिए था लेकिन हार गया। खैर कोई बात नहीं, आरसीबी हारा तो चेन्नई सीएसके तो जीता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।